बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि HPL PSL जो है एक हमारी एक तरह से नेशनल आइडेंटिटी बन गई है स्पोर्टिंग एरेना में, और इसमें नेशनलिज्म का तड़का लगता है, इसमें फैंस का जोश और वलवला जो है वो इंक्लूड होता है। आप देख ही लेते हैं कि जब मैचेस हो रहे होते हैं सो टेलीविजन के ऊपर या ग्राउंड्स में किस तरह से फैंस इसको चाहते हैं और अपना प्रोडक्ट समझते हैं, और जैसे इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फ्रॉम पाकिस्तान एक्सपैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आज एक क्लियरली बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि मार्केट में जो हमें राइट्स मिले हैं वो अनमैचेबल है, और ज़्यादा उसकी वजह यही है, एक तो PSL बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और दूसरा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रही है उसका भी आपको एक तरह से मार्केट में जो गर्मी आपको नज़र आई है रिगार्डिंग राइट्स की उसका एक पहलू नज़र आता है। सो बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है, इसलिए कि कहीं 250% राइट्स ऊपर गए हैं, कहीं 200% गए हैं, और फिर से मैं ये कहूँगा कि HPL PSL जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में मकबूल है मगर एक्सपैट्स में भी उतना ही मकबूल है, और इसकी वैल्यू है, और वैल्यू क्या है कि हर कोई चाहे वो निचले टीयर का एक फ़ैन हो या टॉप टीयर का फ़ैन हो इस अपने आप को एसोसिएट करना चाहता है HPL PSL से, क्योंकि हर दफ़ा पाकिस्तान जीतता है और डायमंड जुबलीज हमारी चल रही हैं और डायमंड जुबली में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और आज का दिन उस लिहाज से बहुत ही ख़ास है। सो मैं ए चैनल को, PTV को, PCB को भी बहुत मुबारकबाद दूंगा क्योंकि एक तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, इकट्ठे आगे बढ़ रहे हैं और इसमें क्रिकेट की जीत है सर, इसमें कोई शक नहीं है कि PTV जो है वो गांव-गांव में जाता है, घर घर में देखा जाता है, ए स्पोर्ट्स जो है नया चैनल है, HD है, सो उस लिहाज से आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत एनहांस हो जाता है। PTV भी बाय द वे इस दफ़ा की HPL PSL HD पे प्रेजेंट करेगा, सो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे मैंने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान को ब्रांड जो है इकट्ठा करता है, इसकी वैल्यू इस तरह से भी बहुत है, इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह से अब हमारे प्लेयर्स हाउस होल्ड नेम्स बनते जा रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल एरिना में भी, इनकी ख़ास वैल्यू है। और मैं हमेशा समझता हूँ कि जो HPL PSL है ये हमारे प्लेयर्स की लीग है, हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको पैसे भी मिलते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेलने का, सो उससे जो माहौल है वो सीखने का भी बनता है और आगे बढ़ने का भी बनता है, ख़ासतौर पे हमारे यंग क्रिकेटर्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। सो मैं समझता हूँ कि आगे चल के ये एक शानदार प्रोडक्ट हम निकालेंगे और इसको बेहतरीन तरह से हम प्रेजेंट करेंगे। देखिए फैंस के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप भरपूर तादाद में आएँ, इंशाल्लाह NCOC से अभी तक हमारी जो एक मुलाकात हुई है उसमें तो 100% पार्टिसिपेशन है अभी तक फैंस की, सो हम फैन पार्क्स बना रहे हैं आपके लिए, और फैंस को ये भी समझना है कि ये पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए जो है प्राइमरीली लीग सेटअप की गई है, सो कभी ज़्यादा ओवरसीज प्लेयर्स आएंगे कभी कम आएंगे, मगर ये जो लीग है ये एक लेवल पे है और लेवल इसलिए ये बना सकी है क्योंकि जो पाकिस्तानी टैलेंट है वो ऊपर से ऊपर जा रहा है और सारी दुनिया ये मान रही है कि फास्ट बॉलिंग और जनरली बॉलिंग के हिसाब से HPL PSL दुनिया की बेहतरीन लीग, और आपको इस पे फख्र होना चाहिए और आपको अपने स्टार्स की तरफ देखना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब ये स्टार्स जो हैं ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बन चुके हैं, और आपने देख लिया कि जो अभी रिसेंट T20 का वर्ल्ड कप हुआ है पूरी कॉम जो कि इस टीम के पीछे खड़ी हो गई है, सो फैंस जो हैं वो बहुत तादाद में आए, आपकी सहूलत के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक व्यूइंग एक्सपीरियंस दें फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट टू द जहाँ पे आप बैठेंगे वो सीट्स एलोकेट करें, अशर्स के साथ आपको गाइड करें और आपकी सीट तक पहुँचाएं, बट इस दफ़ा इंशाल्लाह होपफुली आपका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर होगा।